नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यू शुड स्टे अवे फ्रॉम, यानी कि ऐसे लड़कों और लड़कियों के बारे में जिनसे हमें 10 कदम दूरी भागना चाहिए। ठीक है, तो इस पर मैंने पार्ट वन और पार्ट टू भी बनाया है। अगर आपने अभी तक जाके वो दोनों नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एज वेल एज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो ना, अपनी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो जिस बंदे या बंदी के साथ आप हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, वरना प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जो लोग आपसे रियल लाइफ में मिलना ही नहीं चाहते, जो लोग सब कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, समझ रहे हो आप, मतलब ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन सुहागरात, ऑनलाइन बच्चों का एडमिशन स्कूल में, सारी चीज़ें ऑनलाइन, मतलब आप जिस रिलेशनशिप में हो सामने वाला इंसान बहुत सीरियस है, उसके वादे बहुत बड़े बड़े हैं, खुफियाक टाइप के इरादे हैं उसके कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, और जब आप बोलो कि यार आप आज मिलते हैं, या फिर मैंने आपसे आज तक मैं मिला नहीं हूँ, या फिर आज मैं आपसे मिली नहीं हूँ तो मिलते हैं, तो फिर वगैरह नहीं बहाने बनाते रहे कि नहीं मिलना ही नहीं चाहता। तो भैया आप सब कुछ ना ऑनलाइन नहीं कर सकते, चाहे डिजिटली आप कितने भी ग्रो कर जाओ, आज तक कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं आई कि जो आप मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही कर लो। शायद फ्यूचर में आ भी जाए कि हाँ भैया आप ऑनलाइन शादी कर लो, ऑनलाइन बच्चे कर लो, सुहागरादी मना लो, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन अभी के लिए यार तो ऑफलाइन आना पड़ेगा आपको, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है यार कि जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आपकी सिंपथी गेन करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं रोने लगूँ, भाई भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, 2 रुपये मिल जाएंगे, मैं बहुत गरीब खानदान से बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, सुबह से कुछ तो खाया नहीं हूँ, ऐसा कुछ अगर मैं बोलने लगूँ, फिर आप कहोगे अरे यार लाइक कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सब्सक्राइब भी कर देता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आपकी सिंपथी गेन कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस आपसे कह रहा हूँ, एक भीख मांग रहा हूँ यार, मुझे मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। तो एक तो इस टाइप के लोग, दूसरे ये जो आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से रिलेट करते हैं लड़कों और लड़कियों से यार। मान लो कोई रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है, वहाँ पे लड़का या लड़की आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी झूठी झूठी कहानियाँ बना के, ना तो मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मैं दुनिया में बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा सहारा बन जाओ, मेरा साथ दो, मेरा कंधा बन जाओ, ये सारी चीज़ें। तो भैया थोड़ा सा सोचो समझो कि किसी की सिंपथी गेन मत करो आप, किसी का कंधा मत बनो, किसी का सहारा मत बनो, अपने सहारे पे खड़े हो, समझ रहे हो। तो उन टाइप के जितने लड़के लड़कियां हैं ना, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। अब जो ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों कहते हैं यार कि ना तुम्हारी जैसी ही एकदम मेरी फेस टू फेस वैसी ही गर्लफ्रेंड है, डिट्टो, समझ रहे हो तुम, और ना भगवान ने तुम्हें ही भेजा मेरे लिए, या फिर जो कोई लड़की बोल रही है यार कि तुम्हारा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ना तुम्हारे जैसा है, तब उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी चीज़ है, मैं तो ऐसे ही मजाक में आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन इसी टाइप से रिलेट करो अपने रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ठीक है, तीसरे इस टाइप के लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप में ना मिस्ट्री क्रिएट करके चलते हैं, वो आपको साफ साफ चीज़ें नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या करती हूँ मैं, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तो भैया थोड़ा सा उनसे थोड़ा बच के रहो, अगर सामने वाला इंसान आपको सारी चीज़ें साफ साफ नहीं बता रहा ना, सॉर्टेड नहीं कर रहा है, क्लियर कट नहीं कर रहा है कि ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बस दैट्स इट, तो ऐसे बंदों के पास जाओ, ऐसी बंदियों के पास जाओ जो क्लियर कट है, भाई मैं ऐसी हूँ तो ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ, दैट्स इट, समझ रहे हो। तो इन सभी पॉइंट्स को कवर करो, अपने माइंड में डालो, और फिर देखो कि किस टाइप के लड़कों और लड़कियों के साथ आप रह सकते हो। ठीक है, और एट दी एंड मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है, किस टाइप के लड़कों और लड़कियों से हमें दूर भागना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।